100 क्यू सीरीज का आपके पास ये 71st क्वेश्चन है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है इन दोनों सर्कलों से बाउंडेड। ये भी सर्कल की क्वेश्चन है और ये भी सर्कल की क्वेश्चन है। इन दोनों से जो बाउंड्री रीजन आएगा हम उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। ये ध्यान रखें, ये सर्कल है, ये सर्कल है, इसका सेंटर जो है आपके पास 0 0 और रेडियस क्या होगी आपके पास 1 होगी। ये आपके फर्स्ट इक्वेशन है। और एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, ये भी सर्कल इक्वेशन है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर इक्वल टू वन स्क्वायर। हमारे पास इक्वेशन इस तरह की होती है तो हम जानते हैं कि सेंटर क्या होता है 1, 0, इसका सेंटर 1, 0 होगा और रेडियस कितनी आएगी 1 आएगी। इस सर्कल का सेंटर 0 0, रेडियस 1 है, इस सर्कल का सेंटर 1 0 और रेडियस क्या है 1 है। इसका अच्छी तरह से ग्राफ बनाएंगे। सेंटर 0 0, रेडियस 1, रेडियस 1 लेते हुए एक सर्कल ड्रॉ करें। सेंटर 0 0, ध्यान रखें ये सेंटर है, ये लेते हुए आपने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल ड्रॉ किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेडियस 1 है, इसका मतलब है इसका जो कोऑर्डिनेट है यहाँ पर वो 1, क्या होगा 0 होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है तो ये कोऑर्डिनेट 1, 0 होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी 1 है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी 0, क्या होंगे 1 होंगे। अब आपके पास दूसरा सर्कल है, दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर 1, 0 है और रेडियस 1 है। तो सेंटर 1, 0 है मीन्स ये सेंटर है और रेडियस 1 है मीन्स रेडियस इतना होगा। तो ये जो सर्कल बनेगा वो सर्कल इस ओरिजिन को टच करते हुए बनेगा, और कैसे बनेगा, ये बनेगा आपके पास इस तरह से, ये सेंटर बनेगा, वो सर्कल बनेगा। इन दोनों से जो बाउंड्री रीजन है उसका एरिया बताएंगे। हमारे पास ये इन दोनों कर्मों में बाउंडेड रीजन है, हमें ये एरिया फाइंड आउट करना है। ध्यान रखें ये एरिया फाइंड आउट करेंगे, ये दोनों सर्कलों से बाउंडेड रीजन है, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि दोनों कर्व कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों कर्व यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्शन से हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आएगा। हम ये पॉइंट चाहिए, ये कोऑर्डिनेट चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक एक्स की क्या वैल्यू है। इसके लिए हम इन दोनों कर्वों को सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो हम यहाँ लिख लें इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएंगे आपके पास। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की तरीका ये है कि आप एक इक्वेशन में से वाई की वैल्यू निकालकर दूसरी इक्वेशन पुट कर दें। यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालिए और यहाँ पर पुट कर दीजिए। यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 1 - x² आएगा, और यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगा एक्स माइनस 1² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाले पुट करें तो कितना आएगा 1 - x² इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। मैंने यहाँ पर वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करी है इस इक्वेशन से, इसे थोड़ा सॉल्व करिए। या आपके पास x² - 2x + 1 + 1 - x² = 1 है। देखिए इस x² से ये x² कट जाएगा, इस 1 से ये 1 कट जाएगा, आपके पास -2x = -1 आएगा तो x = आपके पास 1/2 आएगा। हमें केवल x की कोऑर्डिनेट की जरूरत है, यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट क्या होगा उसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें केवल ये देखना है कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो 1y2, कितना आएगा 0 आएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हमारे पास ये O है, ये A ले लें, इसको B ले लें और ये C ले लें। इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑफ A पॉइंट जो है वो 1, 0, 1/2, क्या होगा 0 होगा। अब हमें टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0 से लेकर 1/2 तक इस कर्व को इंटीग्रेट करें। ये कौन सा कर्व है, ये कौन सी इक्वेशन है, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आपके पास ये है, इसमें जो y की वैल्यू है उसको इंटीग्रेट करें तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा। और 1y2 से लेकर 1 तक इसके ऊपर कौन सा कर्व है, इसके ऊपर ये कर्व है,
इस कर्व को इंटीग्रेट करें, इस कर्व की इक्वेशन क्या है, इस कर्व की इक्वेशन ये है, इसमें वाई की इक्वल क्या है उसको इंटीग्रेट करें और उन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास ये टोटल एरिया आ जाएगा। ये एरिया इस एरिया के इक्वल होगा, इस टोटल एरिया को निकाल कर उसका टू टाइम करेंगे तो टोटल एरिया पता लग जाएगा हमें। मेरी बात समझ आ गई? आप थोड़ा सा इसे कॉपी कर ले, मैं बताता हूँ आपको अच्छी तरह से। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसके एरिया फाइंड आउट करने के लिए जीरो से लेके वन बाई टू तक इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे, वन बाई टू से लेके वन तक इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये टोटल एरिया आएगा, उसका हम टू टाइम करेंगे। हमें निकालना है एरिया, लिख लें इसको थोड़ा सा एक बार। एरिया ऑफ द बाउंडेड रीजन, आपके पास क्या आएगा, इसे आप ए से रिप्रेजेंट कर लें एरिया को, टू टाइम करेंगे आप, ब्रैकेट लगा लें, जीरो से लेके वन बाई टू तक इंटीग्रेट करेंगे। किस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे, इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। इस कर्व की इक्वेशन थी आपके पास एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। आप यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। आप इस नंबर को इंटीग्रेट करेंगे, आप इंटीग्रेट करिए वन माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर डी एक्स प्लस वन बाई टू से लेके वन तक इस कर्व को इंटीग्रेट करेंगे। इस कर्व की इक्वेशन थी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। आप यहाँ से वाई की वैल्यू निकालिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये आपके पास वन बाई टू से लेकर वन तक इंटीग्रेट करेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, इसमें यूज होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला। आप इस फॉर्मूला को लिख लें, यूज दिस फार्मूला, जीरो टू ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये आपके पास है एक्स अपॉन टू, ये नंबर एज इट, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये फार्मूला यूज होगा। एरिया बाउंड्री रीजन में ये फार्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से ध्यान रखें आप। एरिया आपके पास क्या आएगा, टू टाइम इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स बाय टू। इस एक्स माइनस वन को आप एक्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, इसे लिखेंगे हम एक्स माइनस वन अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये नंबर एज इट आएगा, वन माइनस एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू। ए स्क्वायर बाई टू वन का स्क्वायर किंतु वन आएगा तो ये वन बाई टू आ जाएगा, साइन वर्स एक्स अपॉन ए, तो ये खाली साइन इनवर्स एक्स माइनस वन आ जाएगा। आपने ये इंटीग्रेट कर लिया प्लस आप इसको इंटीग्रेट करिए, सॉरी यहाँ पर जो लिमिट लगेगी वो आपके पास क्या आएगी, इसकी जो लिमिट है वो जीरो से लेके वन बाई टू तक है प्लस आप इसको इंटीग्रेट करिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास एक्स बाई टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, तो ये आपके पास वन बाई टू आएगा और ये आपके पास साइन इनवर्स एक्स आएगा। यहाँ पर जो लिमिट है आपके पास वो क्या है, वन बाई टू से लेकर वन तक है और यहाँ पर ये ब्रैकेट है, इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। आप इसमें अपर लिमिट पुट करिए तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा टू। थोड़ा सॉल्व करें, देखिए आप यहाँ पर वन बाई टू पुट करेंगे तो वन बाई टू माइनस वन, वन बाई टू आएगा अपॉन टू, आप इसे एक बार लिख लें तो ठीक रहेगा, वन बाई टू माइनस वन अपॉन टू अंडर रूट वन माइनस वन बाई टू माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू साइन इनवर्स वन अपॉन टू माइनस वन, ये नंबर आएगा। आपने क्या पुट किया, वन पुट किया माइनस, आप जीरो पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो ये वन माइनस वन पूरा जीरो हो जाएगा, यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये साइन इनवर्स माइनस वन रह जाएगा, आपके पास खाली वन बाई टू साइन इनवर्स, अब जब यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो आपके पास माइनस वन आ जाएगा, ये नंबर आएगा प्लस। आप वन पुट करिए, इसमें जब आप वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन ये पूरा जीरो हो जाएगा
और यहाँ पुट करेंगे 1 तो क्या आएगा, ये आएगा 1/2 साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा। फिर आप 1/2 पुट करिए, माइनस का साइन लगाइए, माइनस ब्रैकेट लगा लीजिए, तो ये आपके पास कितना आएगा, 1/2 पुट करेंगे आप यहाँ पर, तो 1/4 आ जाएगा। वन बाई टू पुट कराएं तो 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 1 - 1/4 आ जाएगा, और यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यह आएगा आपके पास 1/2 साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा, और ब्रैकेट में आप इसे कॉपी कर लीजिए। अब इसे थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास एरिया क्या होगा, ए ये 2 रहेगा, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, ये 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 आएगा, और ये 2 है तो ये माइनस का 1/4 आ जाएगा, अंडर रूट ये आपके पास अंडर रूट में है 1 - 1/2, ये 1 - 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/2 साइन इनवर्स -1/2 आ जाएगा, और ये आपके पास माइनस है ध्यान रखें, और साइन माइनस इनवर्स, साइन इनवर्स माइनस 1 माइनस साइन इनवर्स 1 होता है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 1/2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, ध्यान रखें इस बात का, प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 है ये आपका, ये 1 रहेगा, माइनस ये आपके पास माइनस में रहेगा, माइनस 1/4 अंडर रूट में रहेगा आपके पास √3, 4 - 1 √3, √3/2 आ जाएगा, ये माइनस है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये -1/2 आएगा, और ये आपके पास साइन इनवर्स 1/2 आएगा। इस आगे सॉल्व कर लें, ए इक्वल टू आपके पास रहेगा 2 बार रहेगा आपके पास, माइनस ये आपके पास 1/4 रहेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास √3/2 आ जाएगा, प्लस ये साइन इनवर्स -1/2 है तो इसको आप माइनस बार ले लें, -1/2 साइन इनवर्स 1/2 कह सकते हो, प्लस ये 1/2 है, ये साइन इनवर्स 1 ही रहेगा, प्लस 1/2 ये साइन इनवर्स 1 रहेगा, और ये माइनस का 1/4 √3/2 -1/2 साइन इनवर्स कितना है, 1/2 है। इस सिस्टम मैंने कुछ खास नहीं किया है, केवल इसको थोड़ा चेंज किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए इक्वल टू ये 2 एज इट रहेगा, -√3/ में से 8 लिख सकता हूँ, माइनस ये मेरे पास 1/2 इंटू कितना रहेगा, π/6 रहेगा, साइन 1/2 π/6 के लिए होता है, प्लस ये 1/2 रहेगा और ये नंबर π/2 होता है, प्लस ये नंबर 1/2 इंटू π/2 आएगा, -√3/8 हो जाएगा ये नंबर, और ये माइनस का 1/2 इंटू π/ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो एरिया आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -√3/4, माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, π/6 आ जाएगा, ये प्लस π/2 हो जाएगा, और ये आपके पास π/6 हो गया, ये π/2 और ये आपके पास π/2 हो जाएगा, आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ध्यान रखें, और ये माइनस √3/ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा, ये नंबर आ गया इतना। इन दोनों नंबरों को आप ऐड कर सकते हो, आपके पास ये आ जाएगा एरिया, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो -√3/4 आएगा, तो आप इसे लिख सकते हो -√3/2। इसे सॉल्व करिए, -π/6 π/2 और π/2 π/2 और π/2 पाई होगा, और ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, कितना आएगा आपके पास, 60 डिग्री आएगा, पाई में से आप 60 डिग्री माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2π/3, 2π/3 कितना आएगा, 3 आएगा। इस तरह से आपके पास जो एरिया निकल के आएगा वो आपके पास कितना आएगा, 2π/3 -√3/2 स्क्वायर इनवर्स।
आप इस तरह लिख सकते हैं इसको। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से में आ गया होगा, एग्जाम आने की बहुत संभावना है, आप इसे कॉपी कर लीजिए।